Hi there, KP Sam. Good morning, guys. I hope you all are doing really well. I should say good afternoon because अभी literally 12 बजने वाली है. So good morning तो ये रही नहीं है, ठीक है. मैं थोड़ा सा late shoot कर रही हूँ vlog. Okay, so आज मैं आपको लेके जाने वाली हूँ अपने साथ बाहर. हम जाने वाले हैं बाहर खाने पीने. सो अभी क्या है ना, मुझे एक्चुअली अभी शूट करना है, तो मुझे 2 से 3 घंटा शूट करने में निकल जाएगा. एंड शूट करने के बाद आई हैव टू गो आउट विद माय मॉम, कुछ शॉपिंग के लिए जाना है हमें बाहर. एंड देन वहाँ से हम आके डायरेक्टली निकल जाएंगे. इट्स सॉर्ट ऑफ अ फैमिली डिनर थिंग, ठीक है. तो लिटरली आई एम गोना हैव मेकअप ऑन माई फेस फुल डे लॉन्ग. लाइक यूजुअली ना, मैं कभी इतना देर मेकअप रखती नहीं हूँ, बट क्या होगा ना, अभी अगर मैं मेकअप करूंगी देन मुझे घर जब मैं शॉपिंग पर जाऊंगी तो मुझे वापस मेकअप उतारना पड़ेगा. लिटरली 1 घंटे के बाद मुझे वापस मेकअप करना पड़ेगा अपने फेस पर. तो आई डोंट वांट टू डू लाइक मेकअप बार बार ऑन माय फेस, ठीक है. तो इसलिए मैं अभी ही एक मेकअप लुक क्रिएट करूंगी, एक इस तरीके का लाइक जो ट्रैवलिंग में थोड़ा सा यू नो मतलब थोड़ा टिका रहे. आई एम नॉट गोइंग टू डू अ रियली हैवी सॉर्ट ऑफ मेकअप, बिल्कुल लाइट सा एंड बिल्कुल मिनिमल सा एफर्टलेस सॉर्ट ऑफ मेकअप लुक मैं क्रिएट करूंगी, जिसके हेल्प से मैं अभी वीडियोस भी शूट कर लूँ एंड जब मैं शॉपिंग पे जाऊँ तो वो बहुत ज्यादा हैवी भी ना लगे एंड डिनर पर वो थोड़ा ओकेश भी लगे, ठीक है. रात तक देखेंगे मेकअप कैसा टिकता भी है कि नहीं टिकता, ठीक है. सो या दैट इज वॉट वी आर गोइंग टू डू. सो आई हैव लिटरली 5 वीडियोज टू शूट टूडे. इतनी सारी मेरी इकट्ठी हो गई है वीडियो, लाइक लिटरली मेरी ना वीडियोज इकट्ठी इतनी सारी इसलिए होती है, आई ट्राई टू डिलीवर वीडियोज ऑन टाइम. अगर मुझे लाइक एक दिन में 5 वीडियोज का ब्रीफ आया ना, तो आई ट्राई कि मैं अगले दिन ही उन 5 की 5 वीडियोज का शूट कर दूं. मेरी आदत नहीं है कि यार आज एक करो फिर दूसरी कल करो तीसरी कल करो. मैं ट्राई करती हूँ कि जितनी वीडियोज का मुझे ब्रीफ मिल पाया है वीकेंड में, मैं उतना डायरेक्टली मंडे को सबका सब शूट कर बैठूं, ठीक है. लाइक मैं 2 से 3 वीडियोज मैंने 2 से 3 दिन में ट्राई करती हूँ कि अपनी सब वीडियोज शूट करूँ एंड बाकी के दिन मैं अपनी एडिटिंग को देती हूँ, बिकॉज आई नीड टाइम फॉर माई सेल्फ एज वेल, ठीक है. सो या मेकअप कब हम क्रिएट करते हैं, बिकॉज अभी मुझे शूट भी करना है, आउटफिट्स चेंज करनी है. मैं आपको सब कुछ दिखाऊंगी कि मैं क्या क्या आउटफिट्स चेंज कर रही हूँ, क्या क्या नहीं कर रही हूँ. सो ये तो अभी फर्स्ट आउटफिट ही है मेरा, ठीक है. आई एम लिटरली वेयरिंग अ नाइट सूट एंड मैं इसी में वीडियो बनाने वाली मैंने सोच ले रही है. सो सबसे पहले मेकअप लुक क्रिएट कर लेते हैं. सो या लेट्स गेट स्टार्टेड. सो आई हैव यू नो वॉश माई फेस, अप्लाइड अ मॉइस्चराइजर. मैंने यहाँ पे प्लम का ई ल्यूमिनेंस क्रीम अप्लाई किया है. नाउ वी विल बी अप्लाइंग प्राइमर. सो ना मैं यहाँ पे पर्पल का मिनी वाला यू नो ट्रू ज्यूल 24K गोल्ड प्राइमर है, ये मैं अप्लाई कर रही हूँ. ये एक्चुअली मेरे को ट्रैवल साइज ना रिसीव हुआ था, मतलब शॉपिंग करने में मुझे रिसीव हुआ था. सो इट इज एक्चुअली अ रियली गुड प्राइमर, बहुत अच्छे से आपकी स्किन को सूट करता है, तो मैं ये वाला यूज करूंगी. नेक्स्ट अप आई एम गोना यूज शुगर की बीबी क्रीम. मेरा इसमें शेड है 07, दैट इज वनीला लाटे. आई एम नॉट गोना यूज अ लॉट ऑफ प्रोडक्ट. मैं यहाँ पे कंसील बस इतनी सी ही मैं यूज कर रही हूँ, बिकॉज इसकी पिगमेंटेशन बहुत अमेजिंग है. सो मैं यहाँ पे ना बहुत सारा यू नो कुछ कंसीलर वगैरह यूज नहीं करूंगी. द रीजन बींग क्योंकि कंसीलर ना गर्मियों में बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं कि क्रीज हो जाता है, एंड ऑल्सो बिकॉज आई एम गोना हैव माई मेकअप फुल डे ऑन. सो आई डोंट वॉन्ट कि मुझे ना थोड़ा ब्रेकअप्स वगैरह की प्रॉब्लम हो जाए. सो इसलिए मैं थोड़ा बहुत ही करूंगी. ये हैंड्स की हेल्प से मैं इसको ब्लेंड आउट कर दूंगी, बहुत ईजिली ब्लेंड हो जाती है ये, यू गाइस कैन सी. द बीबी क्रीम इज नाइसली ब्लेंडेड. अब मैं ना हल्का सा ब्रॉन्जर लेके अपनी नोज को हल्का सा यू नो ब्रॉन्ज अप कर लूंगी, बिकॉज मेरी नोज थोड़ी सी फैटी लगती है, इसलिए मैं सिर्फ अपनी यहाँ पे नोज को कर रही हूँ, नथिंग एल्स. हल्का सा लेफ्ट ओवर प्रोडक्ट हम यहाँ पे लगा लेंगे. लाइक ये वाली बीबी क्रीम में बहुत ज्यादा नेचुरल लग रही है. मैं ये वाला जो स्टेप है ना, मैं कई बार फेस को सेट करने से पहले यूज करती हूँ, बिकॉज इससे ना आपका ब्रॉन्जर बहुत ज्यादा नेचुरल लगता है. आई डोंट नो, मैंने नोटिस किया है कि ब्रॉन्जर बहुत ज्यादा नेचुरल लगता है. नाउ वी आर गोना सेट आवर फेस. सो मैं जो यहाँ पे कॉम्पैक्ट यूज कर रही हूँ वो है कीरो बोटानिको टाइमलेस मैट कॉम्पैक्ट इन द शेड जिंजर आइवरी. इस तरीके की पैकेजिंग में आपको प्रोडक्ट रिसीव हो जाता है. व्हेन यू ओपन इट अप, यहाँ पर आपको फुल साइज मिरर मिल जाता है एंड एट द बॉटम यू आर गेटिंग अ रियली अमेजिंग स्पंज एज वेल. सो ये एक 100% नेचुरली डिराइव्ड कॉम्पैक्ट है, जिससे आपको एक एयर ब्रश मैट फिनिश मिल जाती है. एट द सेम टाइम इट कंट्रोल्स योर ऑयल एंड स्वेट एंड आप इसको एवरीडे बेसिस पे यूज कर सकते हो. इट इज टोटली सेफ एज इट इज इन्फ्यूज्ड विद स्किन केयर. तो ब्लश के लिए मैं यहाँ पे ये वाला ब्लश यूज कर रही हूँ. दिस इज द ग्लो ऑन ब्लश ड्यू फ्रॉम द ब्रांड कीरो ब्यूटी. मेरा जो इसमें शेड है वो है 02. ये बेसिकली इसमें आपको 2 शेड मिल जाते हैं. मेरे पास जो शेड्स है वो है परफेक्ट पिंक एंड फ्रेश ग्रे फ्रूट. इस तरीके से 2 शेड आपको इसके अंदर मिल जाते हैं एंड यू आर गेटिंग अ फुल साइज मेरा. सो मैं दोनों को यहाँ पे मिक्स करके यूज करूंगी फॉर दैट सन किस सॉर्ट ऑफ इफेक्ट. सो क्योंकि एक ड्यूअल शेड है, आप इसको सेपरेटली भी यूज कर सकते हो या फिर दोनों शेड्स मिक्स करके भी यूज कर सकते हो. एट द सेम टाइम दिस इज वेरी ट्रैवल फ्रेंडली एज वेल.
कितना ज्यादा नेचुरल यू नो सन के सॉर्ट ऑफ लुक आ रहा है. यू गाइज कैन सी बाय योरसेल्फ. आई एम ऑल्सो गोइंग टू यूज इट ऑन माई चिन एंड द नोज अ लिटल बिट. मैं क्या कर रही हूँ यहाँ पे, मैं सेम इसमें से पिंक शेड लेकर अपनी पूरी यू नो आईलेड और क्रीज पर अच्छे से ब्लेंड इन कर लूंगी. मैं यहाँ पे बहुत ही ज्यादा यू नो लाइटली अप्लाई कर रही हूँ, मैं बहुत ज्यादा पिगमेंटेशन मुझे नहीं चाहिए, दैट्स इट. एंड हल्का सा मैं अपनी लोअर लैश लाइन पे. अब मैं क्या करूंगी, मैं क्विकली अपनी ब्राउज एंड मस्कारा अप्लाई कर लूंगी ऑफ कैमरा. एंड लास्ट फॉर द लिपस्टिक, आई एम यूजिंग दिस लिपस्टिक फ्रॉम कीरो ब्यूटी. माय शेड इन इट इज 02, दैट इज न्यूड रोज. तो ये वाली जो लिपस्टिक है ना, इसकी पिगमेंटेशन बहुत ही ज्यादा अमेजिंग है. आपको एक नॉन ड्राइंग फॉर्मूला मिल जाता है, आपके लिप्स बिल्कुल भी ड्राइड अप फील नहीं होते हैं. एट द सेम टाइम दिस इज वेरी लॉन्ग लास्टिंग. एंड गाइज, देयर वी हैव लाइक द परफेक्ट लाइट वेट मेकअप लुक फॉर समर. लाइक आप इजिली इसको कहीं भी कैरी कर सकते हो. ये बहुत ही ज्यादा पैची या केकी नहीं लगता है, आपका फेस बहुत ही ज्यादा नेचुरल लगता है इस वाले मेकअप लुक में लिटरली. एंड या दिस इज लाइक माई गो टू मेकअप लुक वेन एवर आई एम शूटिंग और वेन एवर आई एम ट्रेवलिंग. सो नाउ आई एम गना शूट माई वीडियोज. सो दिस इज गोइंग टू बी माई फर्स्ट आउटफिट. ठीक है, आई एम जस्ट गना सेट अप माई बैकग्राउंड एंड देन शूट दी फर्स्ट टू वीडियोज. Guys, this is the second outfit. Like, I have just changed the t-shirt. Pajama is still the same. ठीक है, लाइफ ऑफ ब्यूटी ब्लॉगर्स. ऊपर कुछ भी डाल लो, नीचे अपने पजामे में बैठो. ठीक है, सो आई एम जस्ट डन विद माई शूटिंग. लाइक क्या हुआ ना कि मैंने अभी सिर्फ दो वीडियो शूट कर दी. एज आई टोल्ड यू कि 5 वीडियो शूट करनी है, मैंने अभी सिर्फ 2 वीडियो शूट करी थी. एंड लिटरली हमें ना बाहर जाना पड़ गया. वैसे मैंने सोचा था कि मैं पहले अपना वीडियो का काम कंप्लीट कर लूंगी एंड देन वील गो शॉपिंग, बट एकदम से मम्मी का प्लान बन गया कि नहीं अभी जाना है, तो हम चले गए बीच में. मैं घर आई हूँ, मैंने कितने 1:30 बजे तक मैं पहले शूट कर रही थी. 1:30 बजे तक शूट करने के बाद आई हैड माई लंच, 2 बजे हम चले गए एंड 4 बजे हम वापस आए हैं. मैंने अब शूट किया एंड इट्स लिटरली 6 PM राइट नाउ. अभी ये सब ये लाइट वगैरह, इतना नेचुरल लाइट में मैं शूट नहीं कर पा रही हूँ बिकॉज नेचुरल लाइट खत्म हो चुकी है. ठीक है, इसलिए मैं अभी ये वाली लाइट में शूट कर रही हूँ. तो अभी मैंने अपनी बाकी की वीडियोस शूट कर ली, अभी भी लिटरली मेरा काम खत्म नहीं हुआ. अभी भी थोड़ा सा यू नो थंबनेल्स बाकी हैं शूट करने. सो ऐसा ही चल रहा है, पीछे कुकर की सीटी बज रही है. आई डोंट नो मम्मी खाना क्यों बना रही है जब हमने रात को बाहर जाना है. तो ओके, मेरे दादू के लिए बन रहा होगा. सो आई एम डन, मोस्टली डन. लाइक मुझे अभी गिनती के 15-20 मिनट सिर्फ और लगेंगे. एंड लेट मी जस्ट गिव यू अ क्लोज अप ऑफ माई मेकअप. यू गाइस कैन सी द मेकअप इज स्टिल इंटैक्ट. ब्लश थोड़ा सा लाइट हो गया बिकॉज ब्लश यूजली हल्का सा लाइट हो जाता है. इट्स स्टिल ऑन माई आईज, मस्कारा इज ऑन, लिपस्टिक यहाँ से हल्की से रिमूव हुई है, बट इसको ऐसे कर लूंगी ना, सो इट्स ओके. लाइक पिगमेंटेशन बिल्कुल भी लिपस्टिक की कम नहीं हुई है. द मेकअप इज स्टिल ऑन, मेरा फेस बिल्कुल भी हल्का सा ऑयली है यहाँ से, बट ऑब्वियसली दैट्स बिकॉज आई हैव मेकअप ऑन फ्रॉम लाइक मॉर्निंग नाउ. मेरा मतलब वो इसलिए है क्योंकि शायद मेरा मेकअप बहुत देर से हो गया, इसलिए मेरा फेस थोड़ा सा ऑयली हो जाता है. बट आई एम गोना अप्लाई मोर कॉम्पैक्ट सो दैट यू नो ऑयलीनेस खत्म हो जाए एंड द मेकअप इज प्रिटी प्रिटी गुड. सो अब मैं फटाफट क्या करूंगी, अपना जो मैं आउटफिट वगैरह चेंज करूंगी, सॉरी अपना आउटफिट जब चेंज करूंगी आई विल शो यू. So we came here at Sing and Swing. So basically it's like a family dinner. So like bahar itni zyada garmi hai na, like choosing a makeup product are really important. Aap acche makeup product choose karoge to aapka makeup melt off nahi hoga. So yeah. Yeah, honey chili potato. खा लेती हूँ.
Okay guys, so this is the next day. I am all, you know, freshen up, changed, took a bath and everything. So last night jab main aayi thi, my makeup was like completely intact. Like maine aapko ghar aakar dikhaya tha, the base was perfect, like blush, lipstick, har kuch sab kuch point pe tha, kuch bhi aise ruin nahi hua tha. Main na basically agar aapko apna makeup long lasting banana hai, it is very very important firstly to use good products. Ek to aap good products use karo, at the same time na aap apne matlab face ko acche se prep karo. I have seen a lot of people जो मेकअप करने से पहले ना अपने फेस को प्रेप नहीं करते हैं. They consider कि स्किन को प्रेप करना एंड स्किन केयर इज द सेम थिंग, बट नो, स्किन को प्रेप करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. अच्छा मॉइस्चराइजर यूज करना, सनस्क्रीन यूज करना, देन अ प्राइमर, ठीक है. अच्छे से अगर आप अपने फेस को प्रेप कर लोगे ना, ट्रस्ट मी, आपका मेकअप कहीं हिलने नहीं वाला है. एंड या दैट इज इट. सो आई एम सींग अ लॉट ऑफ रिडक्शन इन माई एक्ने मार्क्स एंड स्पॉट्स. नैना अपना रियलिस्टिक, लाइक एक नॉन स्पॉन्सर रियलिस्टिक स्किन केयर रूटीन बहुत जल्दी निकालने वाली हूँ. द प्रोडक्ट्स विच आई एक्चुअली यूज, जब मैं कोई और प्रोडक्ट ट्राई नहीं कर रही होती, क्योंकि क्या होता है ना, जैसे कोई प्रोडक्ट्स अगर आए होते हैं, यू हैव टू ट्राई इट आउट टू शेयर इट्स रिव्यू. तो लाइक हफ्ता दस दिन उनको यूज करके देखना पड़ता है. बट when I am not trying out any sort of products, उस टाइम पे जो मैं अपना एक्चुअल स्किन केयर फॉलो करती हूँ, मैं वो आपके साथ जरूर शेयर करूंगी. मेरा स्किन केयर लिटरली सिर्फ दो प्रोडक्ट्स का है एंड इसके ऊपर मैं ऑलरेडी एक वीडियो बना चुकी हूँ, ठीक है. मैं पहले ही बना चुकी हूँ, मैं सिर्फ दो प्रोडक्ट्स यूज करती हूँ एंड अभी तक मैं वही ही यूज करती हूँ. मैंने कुछ ऐसा यू नो ड्रास्टिक चेंज नहीं किया है अपने यू नो कम्प्लीट स्किन केयर के अंदर. एंड Yeah, that's it. That was like my travel makeup tutorial. I hope जो वीडियो थी आपको अच्छी लगी होगी. It was like a vlog and a makeup look. Like दोनों का था, ठीक है. तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो please like this video, share with your friends and subscribe my channel. Comment section में मुझे जरूर बताना ये वीडियो आपको कैसी लगी. And I will meet you in the next video. Till then, bye bye.